हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखो, जब हम स्कूल में होते हैं ना, हमें लगता है यार कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कॉलेज में आते हैं तो वही स्कूल याद आता है, फिर जब कॉलेज से भी निकल जाते हैं, जॉब करते हैं, तब वही कॉलेज याद आता है कि यार एटलीस्ट एक प्रेमाइस में तो थे, अपने दोस्तों के साथ तो थे, ठीक है। कोई ज़िंदगी की परेशानी नहीं थी, टेंशन फ्री थे, आराम से पढ़ रहे थे, है ना। तो हमेशा हमें वो टाइम याद आता है जो अच्छा टाइम हमने बिताया होता है, डिस्पाइट ऑफ हार्डशिप। हार्डशिप तो हमें हर फेज़ पे, लाइफ के हर फेज़ पे ऐसा लगेगा, बच्चे होंगे तो लगेगा यार बहुत पढ़ना पड़ता है, कॉलेज में आएंगे तो लगेगा कि जॉब की टेंशन है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, जब जॉब करने लगेंगे तो लाइफ की टेंशन लगेगी। बट हर स्टेज को, हर जो सफ़र है आपका, जितना भी सफ़र आज तक आपने तय किया है, अगर उस सफ़र को आप खूबसूरती से याद करेंगे, उसको खूबसूरती से उस सफ़र पे चलने की कोशिश करेंगे ना, तो मंजिल जो मिलेगी आपको बहुत सुनहरी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ही एक पर्टिकुलर चीज़, अपने ड्रीम या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड चीज़ें, कुछ लोगों का ड्रीम ही पैसा होता है, कुछ लोगों का ड्रीम कुछ बनना होता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, या मुझे ऐसे जॉब चाहिए है, या यहाँ ये करना है ना। कुछ लोगों का ड्रीम जॉब ही है होता है कि मुझे तो लोगों की हेल्प करनी है, चाहे मैं NGO में काम करूँ या मैं कैसे भी करूँ, ठीक है। तो ऐसे हर किसी का एक सपना होता है, तो हमेशा लाइफ में हम उसी के पीछे भागते हैं बचपन से लेके बड़े होके। बट जो सफ़र होता है, जो हमें वहाँ तक लेके जाता है, उसको हम इन्जॉय करना कभी कभार भूल जाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती थी कि उस सफ़र को भी इन्जॉय करके देखो, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। और बाद में यही चीज़ आपको याद आएगी कि अरे हम तब भी इतनी टेंशन में भी, इतनी परेशानी में भी हम हंस के खुशी से जीते थे। तो अब जो, अगर कोई ऐसा समय आया है किसी का जो नहीं कट रहा, तो ये सोचो कि ये भी बीत जाएगा। बोलते हैं ना, समय रुकता नहीं है, वो बीत जाता है। तो अच्छा आए तो भी ये सोचो कि ये बीतेगा ही बीतेगा। तो आगे के लिए जो भी चैलेंजेस, हर्डल्स आपको लग रही हैं, लाइफ में आ सकती हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। और अगर ऑलरेडी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, हर्डल हैं, तो ये सोचो कि ये समय भी बीत जाएगा और अच्छा समय आएगा, है ना। तो चलो आओ, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज है 31 अक्टूबर, और आज मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज़ डे, ठीक है। मैं डेज जैसे जैसे आते हैं कवर कर लेती हूँ। कभी कभार कैसा होता है ना कि मॉर्निंग का सेशन होता है, थीम अपडेट नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो आगे किसी सेशन में इसकी थीम, या अभी एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, तो थीम विम सब अपडेट हो चुकी थी, आई थॉट आज ले लूँ, तो आज के सेशन में मैंने पुरानी एक डेट का डे और थीम ली हुई है, ठीक है। तो जहाँ पे भी जो छूट जाता है, मैं अगले सेशन में ले लेती हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको लगेगा कि ये नहीं पढ़ाई गई, है ना। तो आओ सेशन की प्रॉपरली शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है CCI से। CCI इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो ये मेंबर बन गया है 2 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए मेंबर बन गया है। किसका मेंबर बना है? ये बना है ICN का मेंबर। जैसे भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ऐसे ही वर्ल्ड में, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क है, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब जो भारत है, इंडिया है, इंडिया का कॉम्पिटिशन कमीशन है बेसिकली, वो ICN का मेंबर बना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपको दिख भी रहा है, ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो इनका अभी सेशन हुआ था, 22वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेसिकली सेशन तो नहीं कहूँगी, 22nd कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। अच्छा, अब ये हुई कब से कब तक थी? ये 18 से 20 अक्टूबर के बीच में हुई थी। कब से कब तक? 18 से 20 अक्टूबर के बीच में। ये चीज़ याद रखना कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब CCI ICN का मेंबर बना है, और वो भी 2 साल में, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पेन में। तो ये सारी बातें याद रखने वाली हैं जो मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो सारी बातें याद रखना। अगर ICN की बात करें, दैट इज़ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क की बात करें,
तो ये फैसिलिटेट करता है कॉपरेशन बिटवीन कॉम्पिटिशन लॉ अथॉरिटीज ग्लोबली। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2001 और 140 कॉम्पिटिशन एजेंसीज जो हैं 130 कंट्रीज से इसका पार्ट है ना। आगे चले नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट है कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है, यही वो क्वेश्चन है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। पहली बार कब मनाया गया ये डे? पहली बार मनाया गया 27 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। पहली बार 2006 में मनाया गया और थीम क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या थीम है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। बेसिकली ये दिन मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो सके ऑफ सिग्निफिकेंट एंड प्रिजर्वेशन हो सके ऑफ द रिस्क ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स। ये की इनिशिएटिव है बेसिकली यूनेस्को का और CCAAA का, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्चिव्स एसोसिएशन का, यूनेस्को के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा बैंक है इनमें से जिसने पार्टनर किया है किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप की है? और दे विल इशू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है। ये हुआ है कोटक के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक ने बेसिकली पार्टनर किया है किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। एंड दे विल इशू फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, दैट इज EBG, ठीक है। ये लोग इशू करने वाले हैं और ये जो होगा वो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के पोर्टल पे होगा बेसिकली, है ना। तो दिस एसोसिएशन विल अनेबल, क्या अनेबल करेगा? डिजिटलाइजेशन, ट्रेड का डिजिटलाइजेशन, जिसकी हेल्प से सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, पेपरलेस हो जाएंगी, है ना। और जब हम बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की, तो पहली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रजिस्टर्ड कंपनी है, एसोसिएशन है बेसिकली विद सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर प्रोविजन इन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में, रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में, और MD और CEO की बात करें तो देव ज्योति रे चौधरी इनके MD और CEO हैं, है ना। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी, कहीं कुछ ना समझ में आए तो बता देना, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन एक बार देखिए। देखो क्वेश्चन है, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया है नेशनल कॉपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। नेशनल कॉपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड किस मिनिस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया है? कब सेटअप हुआ था ये नेशनल कॉपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड? नेशनल कॉपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड सेटअप हुआ था 25 जनवरी 2023 में, इसी साल, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर आता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन जिनका नाम है अमित शाह जी, ठीक है, इन्होंने एड्रेस किया था नेशनल सिंपोजियम ऑन कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था NCEL, दैट इज नेशनल कोऑपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री पूछी गई है। और ही हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड लोगो, वेबसाइट, ब्रोशर्स, ये सब NCEL के इन्होंने लॉन्च किए हैं, और सर्टिफिकेट, मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट की है NCEL के मेंबर्स को। अगर हम नेशनल कॉपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड की बात करें, जैसा हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर आता है, इट इज़ सेट अप अंडर मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी 2002, कब? जैसा मैंने बताया था 25 जनवरी 2023 को, ठीक है। अम्ब्रेला बॉडी है कॉपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट की, है ना, एंड इट हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल कैपेसिटी ऑफ 2000 करोड़,
ठीक है, विद 500 करोड़ की इनकी एज अ इनिशियल जो आप कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्णा ई बाजार से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज और पढ़ेंगे हम, पहले इसको देखते हैं। संपूर्णा ई बाजार जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, किसको सपोर्ट करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करता है, ये किस सरकार के, किस स्टेट के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया? तो ये गोवा की सरकार द्वारा, ठीक है, गोवा स्टेट द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया, क्या, संपूर्णा ई बाजार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करता है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, लोकल आर्टिशन को और महिलाओं को गोवा की, ताकि वो अक्रॉस इंडिया अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएं। अच्छा, संपूर्णा ई बाज़ार जो है वो एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? थोड़े टाइम पहले हमने संपूर्णा चवथ बाज़ार पढ़ा था, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो संपूर्णा चवथ बाज़ार जो था वो स्विगी के साथ पार्टनर करके, ठीक है, जो खाना है, जो लोकल लोग, जो गोवा के लोकल पीपल खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उनको बेसिकली डिलीवर करने का काम इस पोर्टल के थ्रू था, है ना। तो ये इसी पोर्टल का एक्सटेंशन है, क्या, संपूर्णा ई बाज़ार, किसका, संपूर्णा चौथ बाज़ार का, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट हार्टलैंड त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंटली बढ़ाने के लिए जो सरकार है उसने हार्टलेस त्रिपुरा नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब ये पूछा है कि ये लॉन्च किसने किया है, तो ये लॉन्च किया है राजीव चंद्रशेखर ने। किसने लॉन्च किया है, राजीव चंद्रशेखर ने। और जो ये लॉन्च हुआ है ये बेसिकली किसके हेल्प से लॉन्च हुआ है, ये डेलोटे इंडिया की हेल्प से लॉन्च हुआ है। ठीक है, डेलोटे इंडिया की हेल्प से लॉन्च हुआ है और एक ऑर्गेनाइजेशन और है इसके साथ जिसने पार्टनर किया है टू लॉन्च दिस हार्टलेस त्रिपुरा। क्या नाम है, NIE, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने, इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने आप कह सकते हैं पार्टनर किया है और ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है। ठीक है, पार्टनरशिप में बेसिकली दे हैव इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट, क्या, हार्टलैंड त्रिपुरा। ठीक है, अगर इनॉग्रेशन की बात करें तो इनॉग्रेट हुआ है राजीव चंद्रशेखर जी द्वारा। ठीक, देखो जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, क्या नाम है, राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है और पार्टनर हैं डेलोंटे इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि बूस्ट हो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेबिलिटी स्टेट में, किसमें, त्रिपुरा में। ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा एक स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट देगा बेसिकली, जो इसके थ्रू कोर्सेज में एनरोल होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 350 जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट में एनरोल होंगे और स्किल सीखेंगे और दे विल गेट एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2023 की को ऑर्गेनाइज की गई है यूनेस्को और किसकी गवर्नमेंट के द्वारा, ये यूनेस्को और जॉर्डन की गवर्नमेंट के द्वारा को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या को ऑर्गेनाइज किया गया है, देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो हुआ है ना बेसिकली, वो को ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ जॉर्डन, ठीक है, एंड यूनेस्को द्वारा। ठीक, अगर इसकी बात करें
तो ये हुआ है 24 से 31 आज, हाँ 24 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच में, ठीक है। ये लिटरेसी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। 12वां एडिशन था ये इसका, कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था, ठीक है। 12th एडिशन, 12वां एडिशन। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, ठीक है। और जॉर्डियन जो दिनार है, ठीक है, जॉर्डियन दिनार जो है वो इनकी करेंसी है। मैं जे लिख रही हूँ, जॉर्डियन दिनार, ठीक है, ये करेंसी है। देखो, यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 24 से 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, ठीक है। एंड दिस यूज टू लाइक दिस इज डन टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड सेलिब्रेट द प्रोग्रेस ऑफ मीडिया टूवर्ड्स द सोसाइटी, राइट। एंड इस ये जो ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने बताया 12वें ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया था। अच्छा, थीम इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहले थीम है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेस अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। दोबारा देख लेते हैं, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो वीक है, जैसे मैंने बताया कि जॉर्डन और यूनेस्को द्वारा को होस्ट की गई थी, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस वीक को मनाने को जो अप्रूव किया था वो किया था 2021 से। दे सेड कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस वीक, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। अच्छा, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द लॉर्ड्स ऑफ वांखड़े, टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स, ठीक है। अब इस बुक में है क्या? ये बुक एक्सप्लेन करती है बेसिकली जो इंडियन क्रिकेट को एक्सप्लेन करती है कब से कब तक, 1983 से 2023 तक, यानी कि इस साल तक, ठीक है। 1983 से 2023 में जो भी चेंजेस हुए क्रिकेट में या जो भी चीज़ें हुई उसको एलैबोरेट करती है ये बुक। क्या नाम है बुक का? द लॉर्ड्स ऑफ वांखड़े, टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स, है ना। तो अब पूछ रहा है कि ये बुक किसने किसने लिखी, ठीक है। तो ये बुक लिखी वी एन रमन और आर कौशिक। वी एन रमन आप जानते हैं, क्रिकेटर हैं, ठीक है, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आप सब जानते हैं, ठीक है। वी एन रमन क्रिकेटर हैं, और जो आर कौशिक हैं ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। आर कौशिक कौन है? सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। इन दोनों ने ये बुक लिखी है द लॉर्ड्स ऑफ वांखड़े, राइट। आई होप समझ आया होगा, है ना। अच्छा, ये बुक लॉन्च कहाँ हुई है? ये बुक लॉन्च हुई है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुई है? लॉन्च इन बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में ये बुक लॉन्च हुई है। अगर लॉन्च पूछा जाए कि लॉन्च कहाँ हुई है, पब्लिश किसने की है? रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। तो इफ आई राइट पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशन, ठीक है। रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है और लॉन्च हुई है बेंगलुरु कर्नाटका में। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला नाम है सर बॉबी चार्ल्टन का, ठीक है, जिनका अभी देहांत हुआ है। पूछा है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड थे, ठीक है। एक वर्ल्ड कप जीता था, ये थे 1967 में, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1967 का, वो इंग्लैंड ने जीता था, और उसमें ये बेसिकली प्लेयर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये और भी अचीवमेंट्स हैं, बाकी ये एक मेन अचीवमेंट है। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक। इंग्लैंड से, इंग्लैंड देश से बेसिकली आप कह सकते हैं, इंग्लैंड से फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और 1967 का फीफा जो वर्ल्ड कप है वो जब हुआ था तब ये मेंबर थे, है ना। चलो आगे चलते हैं। रॉबर्ट फिको इलेक्ट हुए हैं न्यू पीएम किस कंट्री के? तो ये हुए हैं स्लोवाकिया के पीएम इलेक्ट, ठीक है। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के जो पीएम इलेक्ट हुए हैं, ये तीसरी बार हुए हैं, ठीक है, थर्ड टाइम हुए हैं। इससे पहले दो बार इलेक्ट हो चुके हैं। अभी कौन है, इससे पहले कौन थे, सब देखते हैं। देखो, ये जो इससे पहले जो थे बेसिकली रिज़ाइन किया था
एडवर्ड हैगर ने, ठीक है, एडवर्ड हैगर ने रिज़ाइन किया था। उसके बाद इंटरिम, मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए, लुडोविट ऑर्डर ये अभी हाल में पीएम है, ठीक है। इससे पहले जैसे मैंने बताया रिज़ाइन किया था, ठीक, कब, सिंस 15 मई से स्लोवाकिया के पीएम लुडोविट ऑर्डर हैं। अब थर्ड टाइम फीको, रॉबर्ट फीको बनेंगे, ठीक। पहले इन्होंने 2006 से 2010 तक, फिर 12 से 18 तक ये कार्यरत रहे थे एज पीएम, ठीक है। करंटली ही इज़ हेड ऑफ रूलिंग प्रो रशियन पार्टी स्लोवाक सोशल डेमोक्रेसी। अगर कैपिटल की बात करें तो ब्रातिस्लावा, यूरो करेंसी और प्रेसिडेंट जुजाना कापुटोवा, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आ रही हूँ, रोज़ आती हूँ, नहीं आएगी कुछ समझ कुछ भी तो यू कैन लेट अस नो, आप बता सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली कमेंट, और मैं अगर कुछ ऐसा डाउट हुआ जो कमेंट नहीं कर पाऊँ तो डेफिनेटली सेशन में लूँगी, अगले सेशन में, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।